कुनुल्लाह ने मल वकील, अल्लाह के नेक बंदे हैं जो दुआ करते हैं, ये जादूगर कौन है, इनके पास लाइन लगी हुई है। मेरे भाई ये क्या है, ये शिर्क नहीं है तो बताइए क्या है ये? नहीं, इनके पास चले गए तो ऐसा होता। मैं आपको एक सच्चा वाकया बता रहा हूं। कई साल पहले 2011-12 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चली थी, चाकुआ मारे थे उनको। मैं दारुसलाम में बैठा था, अकबर वेंटिलेटर पर थे। अब जाहिर है दारुसलाम को जाने का मौका मिला तो मेरे पास एक दो लोग आके बोले, साहब एक बड़े पहुंचे हुए हैं, आपसे मिलना चाह रहे। मिला, कौन है भाई? आप देखो, ये लोगों का दिमाग देखो आप, नफ्सियाती तौर पे कैसा हावी होना। अब एक आदमी परेशान है, भाई जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, जरा मिल लो साहब। अरे बोला, भाई मिलने का क्या है? बोला, नहीं साहब, यानी अंदर मिलना चाह रहे आपसे। बोला, अंदर क्यों मिलना चाह रहे हैं, बाहर बैठता हूँ दारुसलाम, मिलो। बोले, अंदर मिलना चाह रहे। अब ठीक है, मैं चाहे हो सकता भाई कुछ बात बोलना चाह रहे होंगे। मैं अखलाकन अंदर बिठा लिया उनको। अब उन्होंने शुरू हो गए मेरे सामने बैठ के, आपको मैं एक तावीज देता हूं, आप बन लो, आप पे गोली चलाए तो वह गोली नहीं लगती आपको। अब मैं उस वक्त जाहिर है जहनी तौर से बहुत गुस्से में था। मैं तो हमारे साथ एक साहब रहते थे, उनके पास एक लाइसेंस वेपन था। मैं निकाल के उसको, अभी तुम गोली मारो। अब वो बेचारे मनलिस का रुको, बोले ऐसा क्या सा? मैं निकालो तो सही, खाली तुम। अब निकाले उन, एक काल थे कि वो हजरत जो ऐसा 5 फीट ऊपर कूदे, अल्लाह के लिए मेरे को माफ कर दो, तुम्हारे पैरों पैर पड़ता हूं। मैं कैसा बोले ये, तुम कैसा बोले तुम ये बात? नहीं मकसद बाबा, ऐसा नहीं है, मैं आपकी मेरी मोहब्बत में, अल्लाह मेरी मोहब्बत में तुम मेरे को बोलिए बन लिए तो कुछ नहीं होता। मैं अब देखो, अभी ने मारता तुम्हारे को, अब एक गोली तुम्हारे हाथ में ना वो नहीं लगना तुम्हारे को। अब बोले नहीं, अब इतने चीखा मारे कि लोग कमरे के पास जमा के बोले क्या हो रहा है। मैं उठो यहां से, नजर नहीं आना यहां पर, ये सब अल्लाह फैसले करने वाला, अल्लाह बचाएंगा अकबर को। अगर अल्लाह का हयात लिखा तो 50 गोलियां भी इंसान को खत्म नहीं कर सकते। और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में मेरी माँ की दुआओं की वजह से, आप गरीबों की दुआओं की वजह से अकबर को अल्लाह ने नई हयात दी। ये लोग आ गए, ये बन लो। कोई आके बोला ने दारुसलाम में इमली का झाड़ था, आप कटा दिया, इस वजह से हो गया। क्या है ये, इमली के झाड़ काटे तो अजिन्नात आ गए? मतलब तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास क्यों नहीं आए फिर? मैं सबको तकलीफ दे रहा हूं, मेरे पास आना ना। तो मेरे भाई, अल्लाह पे ईमान हमारा, अल्लाह हमारा रब है, तो ये शिर्क है, ये जादूगरों के पास मत जाइए आप। मुझे यकीन है कि मेरी तकरीर सुनने के बाद वो अपने चेलों को बोलेंगे, अब हम इस पर कुछ करेंगे, तुम करो, मैं हिजबुल बहर पढ़ता हूं, इतल कुर्सी पढ़ता हूं तुम्हारे पे पलटा के। ये तमाशा बना के रख दिए सब लोग।